चैप्टर वन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? हमें जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो देखना है। थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके चलो, तो देखो जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो देखना है। चलो देखते हैं, जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, जल था उसके अंदर से क्या बन गया, जल भाप बन गई, यानी कि लिक्विड यानी कि प्रवाही में से क्या बन गया, प्रवाही में से वायु बन गया। तो ये तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। हमें जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो देखना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, तो ये क्या हुआ, ठोस पदार्थ में से प्रवाही बन गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जल के लवण का विलय होना, जल में लवण का विलय होना, लवण यानी कि हमारा NaCl नमक, तो वो क्या था, पहले ठोस पदार्थ था, पानी में जैसे ही डाला वो क्या बन गया, प्रवाही, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, आंसर नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या होगा, डी। देखते हैं फिर भी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि हमारे घर में जो LPG होता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका दहन होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन एड होगा मीथेन के अंदर, तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना, रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो वही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। चलो देखते हैं किसका उदाहरण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं, तो देखो यहाँ पे आपको विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है, तो हाँ दिख रही है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ए बी थे उसके साथ सी था, तो ये क्या हो गया, ए सी के साथ जुड़ गया और बी अकेला पड़ गया, ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में से वन कहाँ पे है, ए और सी में, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपको अब सिर्फ यहाँ पे देखना है ये और सी के अंदर। चलो संयोजन अभिक्रिया है, नहीं है, क्योंकि ये दो में से एक में भी दिया गया नहीं है, ठीक है, संयोजन में क्या होता है, ए प्लस बी दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, ए बी, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, समझ में आई बात, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ तीन और फोर को ही देखना है, ठीक है, तीन और थ्री और फोर को, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। चलो देखते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन दूसरा है यहाँ पे, चलो देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन में वृद्धि हुई, हाँ ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि, अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हुई यहाँ आते आते, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। अब देखो दूसरा, ये ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दो थे, यहाँ पे कितने थे, दो, लेकिन यहाँ पे कितने होगी, एक, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आई, अगर ऑक्सीजन में कमी आई तो उसको क्या बोलते हैं, हम अपचयन। तो यहाँ पे देखो एक साथ दो अभिक्रिया हुई, उपचयन एंड अपचयन, तो उसको क्या बोलते हैं, रॉक्स अभिक्रिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, वन एंड थ्री, तो कहाँ पे, सी के अंदर, तो ये हमारा फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, उपचायक एंड ऑक्सीकारक के बारे में समझाना पड़ेगा, चैप्टर टू के अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्या है उपचायक, क्या है ऑक्सीकारक, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको सिर्फ इतना शॉर्टकट बताता हूँ, इसके लिए देखो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि क्या होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं, जिस पदार्थ का उपचयन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं, उसकी उससे उल्टा बोलते हैं, और जिसका अपचयन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में से ऊष्मा रिलीज हो रही है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। चलो देखते हैं कहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगी, यानी कि ये आपका आंसर है वन। तो देखो वन कहाँ पे, चार में से वन, देखो यहाँ पे नहीं है, ए दो में है, तो ए और सी दो में से एक आपका आंसर आ गया, या तो ये आएगा या तो
सी आएगा आपका आंसर। देखते एक अम्ल का तनुकरण, देखिए ये भी चैप्टर टू के अंदर आएगा। अगर किसी भी चीज़ का तनुकरण करते हैं, किसी भी चीज़ का हम तनुकरण करते हैं तो उसमें से क्या ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है ऊष्मा निकलती है। तो दो कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, फाइनल आंसर आपका ए। फिर भी चलो बाकी के देख लेते हैं। जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण कौन करते है? पेड़ करते हैं, है ना। मान लो कि ऐसे पेड़ है कोई, है ना, ऐसे पेड़ है, आप उसके नीचे खड़े हैं, तो आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी? ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊष्मा खींच लेते हैं, वो क्या कहते हैं, ऊष्मा खींच लेते हैं, यानी कि तापमान कम होता है। अगर तापमान कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और कपूर का उद्वपातन, सीधी बात है, किसी भी चीज़ को उद्वपातन कराने के लिए हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि ऐसे तो उद्वपातन नहीं कर लेगा। उद्वपातन का मतलब क्या है, ठोस पदार्थ में से वायु पदार्थ में परिवर्तन होना, तो हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये दोनों क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, हमें बतानी है ऊष्मा क्षेपी है, पहली और दूसरी है क्या, ऊष्मा क्षेपी। चलो आगे देखते हैं। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही इजी होगा, समझ में आई बात, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही वो इजी होगा। चलो पढ़ते हैं। 25 ml जल युक्त ए बी तथा सी के रूप में चिन्हित तीन बीकर लिए गए। चलो तीन बीकर हम सबसे पहले ले लेते हैं, ए बी और सी, ए बी सी। चलो आगे देखते हैं। ए बी सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, CuSO4 एवं NaCl मिलाया गया है। चलो हमने मिला दिया। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर ए बी के विलयों के ताप में वृद्धि हो रही है। किसके ताप में वृद्धि हो, ए और बी के अंदर। तो चलो मैं ताप में वृद्धि कर दूं, लाल बता के मैं क्या कर रहा हूँ, ताप में वृद्धि कर रहा हूँ। चलो ताप में वृद्धि कर दी, मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। ए बी सी विलयों में ताप में वृद्धि हुई जबकि सी बीकर के विलय में ताप में कमी हुई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो क्या हुआ, ए और बी के अंदर क्या हुआ, ताप में वृद्धि हुई। ताप की वृद्धि को मैं रेड कलर से बताता हूँ और ताप में कमी हुई उसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ए बी सी नाम है, ए बी और सी। चलो आगे पढ़ते हैं। बीकर ए तथा बी में ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ है, तो सही बात है। देखो यहाँ पे तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी। तो ए हमारा सही है। तो देखो ये कहाँ पे, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, नहीं ये भी नहीं, दूसरा यहाँ पे है। तो ये दो में से एक आपका आंसर आएगा, दो में से एक आपका आंसर आएगा, ठीक है, दो में से एक आपका आंसर आएगा, ये तो नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। बीकर ए बी में ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी कहाँ भाई, तापमान बढ़ गया था ना, ए बी के अंदर क्या हुआ था, तापमान बढ़ गया था, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, बीकर सी में ऊष्मा क्षेपी, बीकर सी में मैंने कौन सा रंग दिखाया था, ग्रीन रंग, है ना, हरा रंग दिखाया था, उसमें तो ऊष्मा कम हुई थी, तो वो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी नहीं हो सकती, तीसरा भी नहीं हो सकता। अब और देखते हैं, बीकर सी में ऊष्मा शोषी, हाँ तो मैंने कौन से रंग का बताया था, ग्रीन रंग में बताया था, है ना, ग्रीन रंग में बताया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान कम हुआ था। अगर तापमान कम हुआ था तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई होगी, सी के अंदर ऊष्मा शोषी। तो आपका आंसर आएगा 1 and 4। तो आपका सही आंसर है सी। समझ में आई बात, एकदम ईजी है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा इतना ही ईजी होगा। देखो, अम्ली परमैंगनेट विलय युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलय धीरे धीरे मिलाया गया है। हल्के जामुनी रंग का विलय क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही? मैं ए वाला क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 and 2 के अंदर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना रखो कि KMnO4 क्या है, ऑक्सी कारक है, क्या है, KMnO4 ऑक्सी कारक है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का दान करेगा। जिसको भी ऑक्सीजन का दान करेगा उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन में उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे कि KMnO4 है, इसी तरह से एक HNO3 है,
HNO3 और एक ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर 3 के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी याद रख लो कि ये हमारा आंसर होगा। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं है इसीलिए, समझ में आई बात? ओके। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखनी है। चलो देखते हैं द्विविस्थापन। तो पहले देखो द्विविस्थापन कैसे बोलते हैं, जैसे ए बी होगा और सी और डी होगा, तो ए डी के पास जाएगा और सी बी के पास आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। यहाँ पे देखो लेड अकेला है तो कोई आ सकता है उसके पास, है ना। यहाँ पे दो है सी यू एंड सी एल टू, लेकिन यहाँ पे तो अकेला है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन नहीं है, सिर्फ क्या है, विस्थापन। यहाँ पे देखो अब ये चीज़ देखो, एन ए एस ओ फोर, बी ए सी एल टू, तो एन ए यहाँ सी एल टू के पास जाएगा, बी ए एस ओ के फोर एस एस ओ फोर के पास आएगा, तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, समझ में आई बात। चलो ये हो गई, यहाँ पे देखो ये तो सिर्फ क्या हुआ, ये क्या हो गया, संयोगीकरण अभिक्रिया हुई, है ना, संयोजन हुआ, दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, मीथेन का दहन, मीथेन का दहन, ठीक है। तो ये भी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा केवल दो, कहाँ पे, बी के अंदर, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है, उद्भासन यानी कि विघटन, स्लेटी यानी कि भूखरा रंग क्यों हो जाता है ना। AgCl हमारे पास था तो हमने जैसे ही रखा तो क्या बन गया था, Ag+Cl2 बन गया था और स्लेटी रंग का बन गया था। तो देख सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनते हैं, सही बात है, सिल्वर बनता है, तो हमारा आंसर एक तो ए हो सकता है, दूसरा ए हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड के उद्भवपातन, यहाँ पे कहाँ उद्भवपातन हुआ, तो दो तो आंसर आएगा ही नहीं, दो कहाँ पे, चलो इसको निकाल दो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना, पहले ही निकाल दिया हमने। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के विघटन से, क्लोरीन गैस का विघटन कहाँ हुआ, क्लोरीन गैस तो बन रहा है ना, AgCl हमारे पास था तो उसके अंदर से एक Ag बना, दूसरा Cl2 बना, तो यहाँ Cl2 का विघटन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो अब आंसर एक ही बचा, ए। फिर भी देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, यहाँ पे कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर सिर्फ ए होगा, यानी कि केवल ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनाएगा, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को चूने का बना कहते हैं, सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में मिलकर उसका विलयन बनाता है, ये अब क्या कहता है, जल में मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड जल में मिल गया और विलयन बनाया, ये हमारा बनाया है ना, जल में मिलकर। आगे बढ़ते हैं, विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, चूने का पानी। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, रिएक्शन के लिए कौन सा विधान सत्य है वो देखना है हमें। चलो देखते हैं, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, कहाँ पे ऊष्मा शोषी, ये यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ये कभी नहीं आएगा, है ना, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, यानी कि वन जहाँ पे होगा वो गलत, देखो यहाँ पे, तो ये दोनों नहीं आएगा, हमारा आंसर बी और डी हो सकता है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सही बात। तो जहाँ पे दो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, दो कहाँ पे, बी के अंदर, तो हो गया हमारा आंसर, सीधी बात है। फिर भी देख लेते हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसे ही है, परिणामी विलय की पीएच 7 से होगी, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, उसकी पीएच क्या होती है, 7 से अधिक होती है, क्योंकि वो क्या है, बेस है, एसिड होता ऐसे होता है 7, यहाँ पे न्यूट्रल होते हैं, इस तरफ बेज होते हैं और इस तरफ एसिड होता है, ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर हम देखेंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। देखो हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड, मैं आपको पुराना तरीके से समझाता हूँ इसको, देखो मेरे पास बेरियम क्लोराइड यानी कि ए वाला प्लस ए वाला माइनस है,
अमोनियम सल्फेट, यानी कि ए वाला प्लस ए वाला माइनस है, और क्या बनाया प्लस माइनस के साथ और प्लस माइनस के साथ, है ना, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बनाया, तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन हुई। अब बाकी के देखते हैं, चलो विस्थापन हुई नहीं, अवक्षेपण हुई हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना, और BaSO4 कौन से रंग का होता है, श्वेत रंग का, मैंने बताया था। तो यहाँ पे अवक्षेपण भी हुआ, संयोजन हुई नहीं, संयोजन नहीं हुई, तो हमारा ये दो आंसर हो सकता है, अवक्षेपण एवं द्विविस्थापन। तो कहाँ है दो और फोर यहाँ पे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी, है ना। चलो, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है, किसका पूछा है हमें वो देख लो, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का देखना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पानी बना दो, पानी H2O, देखो हाइड्रोजन कितने हैं दो, तो यहाँ पे दो लगाओ, ऑक्सीजन कितने है? अकेला, तो यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया 2m1, देखो कहाँ पे, बी के अंदर, पता चला, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर उसने पूछा होता ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात दीजिए, तो ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2, तो हमारा आंसर 1:2 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसीलिए 2:1 हमारा सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पहले, हाइड्रोजन आगे है या ऑक्सीजन आगे है, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहाँ पे 2, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहाँ पे 1, चाहे ऑक्सीजन आगे आ जाए तो भी 1 रहेगा, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुमा कर ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी कि किसमें ऊष्मा कम हो रही है या हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, किसी भी चीज़ का तनुकरण होता है, चाहे वो एसिड हो या बेस, तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी होता है, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। 1 कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता, ओके, ये तो होगा ही नहीं। अब बचे 3, उसमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। शुष्क बर्फ का उद्वपातन, देखो शुष्क बर्फ का उद्वपातन, यानी कि शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। उसका उद्वपातन बन, जब भी उसका उद्वपातन होता है, जब भी उसका उद्वपातन होता है, तो क्या होता है, वहाँ पे ठंडी मिलती है, शीतलता मिलती है, तो वो क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, वो क्या, ऊष्मा शोषी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है 2 कहाँ पे, ये देखो ए 2 में होगा, है ना, ये 2 में से एक हमारा आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं, जलवाष्प का संघनन, जलवाष्प का जब संघनन होता है ना, वायु का जब संघनन होता है, तो क्या होता है, वहाँ पे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, ऊष्मा क्षेपी, वहाँ पे ऊर्जा मिलती है हमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 3 गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं है, 2 है, तो हमें और भी देखना पड़ेगा। चलो, तो ये 3 वाला नहीं आएगा ना, 3 वाला नहीं आएगा। चलो अब देखते आगे, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण यानी कि जब पानी होता है हमारा, पानी में से जैसे जैसे पानी वायु बन के जाता है ऊपर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जल का वाष्पीकरण होता है, जैसे वृक्ष करते हैं, तो वहाँ पे हमें ठंड मिलती है, तो वो क्या है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो जल का वाष्पीकरण क्या है, ऊष्मा शोषी, तो हमारा आंसर आएगा 2 और 4, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा डी हमारा फाइनल। वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा कम हो रही है, यहाँ पे भी कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी, ठीक है। जली पोटेशियम आयोडाइड तथा जली लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, सही बात है। इस अभिक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, चलो मैं बना लेता हूँ, ये पोटेशियम आयोडाइड है, दूसरा हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 है, इतना है हमारे पास, और हमें क्या बनाना है कि लेड नाइट्रेट बनाना है, क्या बनाया है, लेड नाइट्रेट यानी कि नहीं लेड नाइट्रेट नहीं लेड आयोडाइड PbI2 बनाना है, क्या बनाना है, PbI2 बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड बनाना है।
लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप मिलते हैं, ठीक है, लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप। अगर अब क्या बोलता है, लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो, यानी कि हमारे पास मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये वाला पदार्थ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, ये बनाना है, ये पदार्थ फिर भी हमें बनाना है, तो इसकी जगह पे हम कौन सा पदार्थ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा पूछा है। तो देखिए, लेड सल्फेट का यूज़ कर सकते, लेड और सल्फेट का, लेड सल्फेट का यूज़ कर सकते, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अविलेय है, अगर अविलेय होगा तो हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, विलेय चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, लेड एसीटेट, तो देखो लेड तो वहाँ पे है और एसीटेट पीछे आएगा, ठीक है, तो आई यहाँ पे और लेड यहाँ पे, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर ये लेड एसीटेट। फिर भी आगे देखते, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है तो लेड कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पोटेशियम सल्फेट, तो लेड कहाँ से निकालोगे, लेड तो होना ही चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये कि लेड तो होना ही चाहिए, तो ये तो दोनों ऐसे ही निकल जाएगा, ये दो बचे हमारे पास, लेकिन इसमें भी लेड सल्फेट क्या है, अविलेय, अविलेय नहीं चलेगा, हमें कौन सा चाहिए, विलेय चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा बी, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि पानी पूरी बनानी है लेकिन पूरी नहीं है आपके पास, तो आप कैसे बनाओगे पानी पूरी, है ना, पानी पूरी नहीं बना सकते। तो इसी तरह से हमें अगर लेड आयोडाइड बनाना है तो हमारे पास आयोडाइड होना ही होना चाहिए, सॉरी लेड तो होना ही होना चाहिए, आयोडाइड तो पहले से है, तो लेड हमारे पास कहाँ पे दिया गया, ए और बी के अंदर, लेकिन ए के अंदर क्या है, अविलेय, तो वो नहीं चलेगा, तो फाइनल आंसर बनेगा हमारा बी। समझ में आई बात, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, कौन सी गैस प्रयुक्त, लास्ट वाला पॉइंट है ना, हमने देखा उसके अंदर मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। चलो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, विकृत गंधिता हो जाएगा, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ले सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन हम नहीं रख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एवं हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रखें, क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो वो भी नहीं चलेगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, डी। डी में क्या दिया गया, हीलियम एवं नाइट्रोजन, तो मैंने आपको बताया था कि हीलियम एवं नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन किस में भरते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं ना, चिप्स की जो भी हमारी वेफर होती है चिप्स, तो उसकी बैग के अंदर भी नाइट्रोजन भरते हैं, वो भी हमने लास्ट में देखा था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ये प्रयुक्त किया जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन बनाने के लिए, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, चलो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, चलो अपघटन देखते हैं, अपघटन हुई तो क्या, हाँ एक पदार्थ था, सिर्फ एक ही अभिकारक था, उसमें से दो उत्पाद बनी, एक ही अभिकारक में से दो या उनसे ज़्यादा उत्पाद बनती है एक ही अभिकारक में से, तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, ये तो बात सही है। ऊष्मा शोषी है, तो हाँ ऊष्मा शोषी है, क्यों, क्योंकि हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ी, यहाँ पे ऊष्मा मुक्त नहीं हो रही है, ठीक है, ऊष्मा मुक्त नहीं हो रही, हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये हो गया हमारा सही, तो बाकी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सब के सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी चलो देख ली। यह एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन दिखा आपको, ए और बी जुड़ के ए बी बनाते तो उसे बनाते बताते हैं, ठीक है, ये तो क्या है, अपघटन है, तो ये आपका नहीं होगा। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है, नहीं ऊष्मा कहाँ निकली, यहाँ पे लिखा है कहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ये भी नहीं हो सकता। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन प्रक्रिया है तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति है, ऊष्माक्षेपी कहाँ पे हुई, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, आपका आंसर आएगा ए। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, रासायनिक अभिक्रिया देखनी है हमें, भौतिक अभिक्रिया नहीं देखनी है, ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं देखने, सिर्फ हमें रासायनिक परिवर्तन देखने। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडार, तो क्या है, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को भर दिया, गैस था उसके अंदर से लिक्विड हो गया, तो ये तो भौतिक अभिक्रिया हो गई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वायु का द्रवीकरण, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वायु का द्रवीकरण, तो वो क्या हुआ, वायु था उसमें से प्रवाही हो गया, तो ये तो भौतिक अभिक्रिया है,
नेक्स्ट देखते हैं, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल जैसे ही रखा तो हवा में उड़ जाएगा बब बनकर, तो ये भी क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं उसको, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, कॉपर की तार को, और वो भी वायु की उपस्थिति में, तो कॉपर को अगर गर्म करोगे तो उसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन की उसके साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? उस कॉपर का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही संकेत चिन्हों में प्रदर्शित करता है? सभी जगह पे क्या बन रहा है? पानी, हाइड्रोजन गैस लिक्विड में होता है, कहीं पे आपने देखा कि चलो ये हाइड्रोजन गैस भरा हुआ, तो ये बात गलत होगी। ऑक्सीजन भी लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, वो वायु होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लिक्विड है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे दोनों है गैस और यहाँ पे लिक्विड बना, तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। आपके इस चैप्टर का सॉल्यूशन उसके अंदर डी को सही आंसर दिखाएगी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डी गलत आंसर है, डी गलत आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में होता है, ऑक्सीजन भी गैस में होता है, लेकिन पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो आपका सही आंसर होगा सी। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि किसी बुक में डी को सही बताया गया है, लेकिन मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ डी गलत आंसर है, आपका सही आंसर आएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया देखनी है, यानी कि ए प्लस बी जुड़ के ए बी बनाएगा, इसी अभिक्रिया में देखनी है। चलो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। कैसी ये लो, ये तो क्या हो गया? विघटन अभिक्रिया हो गई, तो ये नहीं आएगा, यानी कि वन जहाँ पे होगा वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको निकाल दूँ सबका सब, यहाँ पे ऐसा आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत हो गया। MgO H2O, तो ये सही बात है, इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो दो कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये नहीं आएगा हमारा आंसर, ये दो में से एक आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दो में से एक आंसर होगा हमारा, यहाँ पे देखो तो हाँ, ये भी क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि तीन, तीन कहाँ पे है? अब यहाँ पे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि यहाँ पे फोर दिया गया और फोर नहीं है, देखो यहाँ पे दो और सामने भी दो, तो ये क्या हो गया है? यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हुई है, संयोजन नहीं हुआ, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी, दूसरा एंड तीसरा, संयोजन वहाँ पे हुआ है, ए प्लस बी जुड़ के ए बी बना है, देख सकते हैं आप दो में। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एमसीक्यू खत्म होते हैं, अब मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बस बुक और पेन नहीं है तो अभी भी ले लीजिए, और सिर्फ क्वेश्चन के नंबर लिख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको नंबर टिक करवा सकूँ कि कौन से आपको टिक करने हैं। पहला वाला टिक करो, 26 नंबर का, 26 नंबर का आप लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखो, पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, विलेय है, दोनों को साथ में मिलाकर अविलेय श्वेत पदार्थ बनाता है, जिस संबंध में रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो आपको 26 वाला आपको करना है, ठीक है, आपको अपने आप से सोल्व करना है। दूसरा 27 नंबर का सोल्व करना है, आप सिर्फ नंबर लिख लो बाजू में, कागज़ और पेन लेके उसके अंदर सिर्फ नंबर लिख लो, बाद में वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है? उसको सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं क्या करूँगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या फिर जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है, ये जैसे ही सेशन ख़त्म होता है, मैं क्या करूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हिसाब से उसको सही करें, सही बात। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का, 26, 27, अब 30 नंबर का, इसको आप देखेंगे, मैं चलो इसको सोल्व करवा दूँ। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक तथा कौन से रासायनिक परिवर्तन है आपको बताना है? चलो, पेट्रोल का वाष्पीकरण ये भौतिक अभिक्रिया है, कौन से है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, अगर दहन हो रहा है तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आयरन के छड़ को रक्त तप्त अवस्था में गर्म करना, तो हमने क्या किया? उसको गर्म किया, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया।
चलो दूध का दही बनना है, दूध में से दही बनता है तो क्या हो गया? रासायनिक, क्योंकि उसके स्वाद में परिवर्तन होता है ना। ठोस अमोनियम क्लोराइड का उध्वपातन, ठोस अमोनियम क्लोराइड का उध्वपातन होता है, तो पहले क्या था? ठोस था और उध्वपातन हो गया तो क्या बन गया? वायु बन गया। तो अभी अभी क्या हुआ? सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन है, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ, 34 नंबर का आप। चलो ये आपको करना है अब, कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है ना? सिल्वर क्लोराइड SgCl को ब्लैक रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है ना। बहुत सिंपल आंसर है उसका। अगर हम ब्लैक रंग की बोतल में नहीं रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा सूर्य प्रकाश की हाजिरी में। अब आता है 35 नंबर का। 35 देखो यहाँ पे ऐसा बना देना है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए तथा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। तो आपको इसको संतुलित करना है। अगर आपने इसको संतुलित कर लिया ठीक है, तो अच्छा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी संतुलन में, है ना। अगर आपको डाउट है संतुलन हुआ या नहीं, तो मैं जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर का नहीं, 38 नंबर का, इसको छोड़ दो, इसको सोल्व करना है आपको। मैं जिसका जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इतना ही करना है ठीक है। 38 नंबर का आपको करना है, 38 नंबर का मैं आपको देखो इसके बारे में, अगर इसका आंसर आपको चैप्टर 1 में ना मिले तो चैप्टर 3 के लास्ट पेजेस पे चले जाना। लास्ट टॉपिक संक्षारण है ना, संक्षारण टॉपिक में चले जाना, लास्ट टॉपिक में, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जाते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर का देखो, इसको 42 नंबर में आपको क्या करना है? ए और बी को करना है, सी और डी को मैं बाद में समझाऊंगा ठीक है, सी और बी को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है ना। और NaCl का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, और NaOH का भी मैं बाद में बताऊंगा ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ 42 नंबर में क्या करना है? ए और बी का। ओके चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा।